तो राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए आज ग्वालियर से करीब 150 बसें रवाना की गई हैं। बसों को रवाना करने से पहले उन्हें बाकायदा सैनिटाइज किया गया, साथ ही सभी बसों में एक एक पुलिसकर्मी भी तैनात करके भेजा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हर बस में सिर्फ 20-20 छात्रों को ही लाया जाएगा। यहां आने के बाद छात्रों का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और उसके बाद छात्रों को उनके घर छोड़ा जाएगा। आपको बता दें, ग्वालियर समेत आसपास के शहरों के करीब 3,000 छात्र कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और लॉकडाउन के चलते इन छात्रों को वहां रहने के लिए खाने को लेकर काफी परेशानी हो रही है और अब छात्रों ने मदद के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। कोटा के लिए ग्वालियर जिले से जिला प्रशासन पुलिस के द्वारा 150 गाड़ियां बस रवाना की जा रही हैं बच्चों को लाने के लिए। तो उसमें सैनिटाइजेशन काम हम कर रहे हैं। 3 फायर ब्रिगेड हैं, 2 सक्शन मशीन हैं, 5 जेटिंग मशीन हैं, 10 हैंड स्प्रे पंप से हैं। इस तरह 50-60 लोगों की टीम काम कर रही है। 4,000 के आसपास हैं जो छात्र बताए गए हैं और उनको कलेक्ट करने के लिए ये बसें और कुछ रिजर्व बसें भी रखी हैं। ये 4 बोर्डिंग पॉइंट हैं, वहाँ पर प्रत्येक बस के साथ एक पुलिस अधिकारी जा रहा है। 3,000 से अधिक बच्चे हैं वहाँ पे जिनको अपने अपने घरों में आना है। छोटे छोटे बच्चे हैं कई, तो उनको लेने के लिए अभी हम यहाँ से करीब 150 से अधिक बसें भेज रहे हैं।